राजौरी के इस खूबसूरत इलाके को देखकर दिमाग में ज़रूर आया कि जब भी इंसान सुकून की तलाश में निकलता है तो हमेशा कंक्रीट से दूर भागता है और कोई ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर हरियाली देखने को मिले। यहां आप ध्यान से देखें, आसपास जहां पर मैं हूं पहाड़ ही पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में एक शहर बसा हुआ है, शहर में घर आपको देखने को मिलेंगे। सड़कें मोस्ट जगह पर कहीं पक्की है कहीं कच्ची है, लेकिन सड़क पहुंची हुई है। दिक्कत लेकिन तब भी ये है कि जो नेता है उन्हें लगता है, भूल जाता है कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि राजौरी के इस पूरे इलाके में मैं आई, मुझे एक ढंग का अस्पताल देखने को नहीं मिला। जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अगर कोई शख्स बहुत बीमार हो जाता है या तो पीर फकीर के पास चला जाता है, बीमार हो जाता है या तो केमिस्ट से दवाई ले लेता है और सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, या फिर अगर बीमारी बढ़ जाती है तो सीधा जम्मू भागना पड़ता है। ये हाल है राजौरी का। इलाका बहुत खूबसूरत है और जैसे लोग कहते भी हैं कि कंक्रीट इन जगहों पर आ जाएगा तो भाई इन जगहों की तबाही हो जाएगी, अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी इन जगहों की तबाही हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो खूबसूरती है, ये जो नेचर है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज लग जाएंगी तबाही हो जाएगी। लेकिन एक अच्छा अस्पताल यहाँ लाने से किसने रोका था? एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अलावा एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल, उन सबको यहाँ लाने से किसने रोका था? आप आसपास के इलाकों में जब देखते हैं आपको भी समझ में आता है कि ये इलाका इतना खूबसूरत है, इसे टूरिज़्म के मैप पे लाया जा सकता था। अगर कोशिश की जाती तो देश विदेश से टूरिस्ट जो हैं, जो इन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज की तलाश में निकलते हैं, उन्हें राजौरी लाया जा सकता था। कोई कमाल की बात नहीं है। आप देखें कि जब कोशिश की गई, भदरवा में बहुत सारे लोग पहुंचे, राजौरी में क्यों नहीं? सवाल बस इतना है कि क्या राजौरी कभी किसी की प्रायोरिटी रहा है, और अगर नहीं रहा है तो क्या कारण रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको पीर पंजाल रेंज की खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर इस समय बर्फ जमी हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही इलाके लोग जो हैं वो ढूंढने के लिए निकलते हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए निकलते हैं। क्या आपको लगता है मुंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसने हमेशा गर्मी एक्सपीरियंस की है वो ऐसे इलाकों की तलाश में नहीं निकलेगा? कितने ट्रैवलर्स हैं देश भर में जो चाहते हैं कि वो इस तरह की जगहों पर आए? क्या कारण है कि उन्हें राजौरी का रास्ता जो है वो नहीं मिलता? ये जो गलती है ये उन लोगों की रही है जो लोग सरकार का हिस्सा रहे हैं, और उनकी भी गलती है जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं कि राजौरी भी कभी प्रायोरिटी हो सकता है। जहाँ बात है एक तरफ टूरिज़्म की, वहीं बात ये भी है कि जो राजौरी में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी आपने क्रिएट करके रखी है? आज भी इलेक्शन के दौर में भी 3-3 दिन तक पावर कट अगर होते हैं तो वो किसकी गलती है? अगर आज के समय में इलेक्शन के दौर में भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा तो वो किसकी गलती है? आप सभी लोगों से यही गुजारिश कि जब आप वोट डालने के लिए निकलें, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखें, और वो सभी लोग जो कभी राजौरी नहीं आए उनसे मेरी ये गुजारिश कि राजौरी आकर ये पता चला कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है, कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो राजौरी ज़रूर आए।